दिल्ली की जनता का ये जो जनादेश है उसको सर माथे रखते हुए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिल्ली की आकांक्षाओं के अनुरूप दिल्ली सरकार में अच्छा करते हुए दिल्ली को उसके अपेक्षाओं की पूर्ति करेंगे और हमने अपने हिसाब से काफी अपेक्षाएं रखी थी। हमारी अपेक्षाएं खरी नहीं उतरी, इसकी हम समीक्षा करेंगे। लगभग लगभग दिल्ली का काउंटिंग लगभग समाप्त के कगार पे है और इस समय बीजेपी को अभी जो मैं निकला हूँ देखते हुए तो लगभग 7 सीटों की दिख रही है। अब तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके आपके हिसाब से आपके पक्ष में निर्णय नहीं हो तो मन निराश भी होता है, लेकिन यही धैर्य का समय होता है और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बोलूंगा निराश नहीं होना है दोस्तों, भाइयों बहनों। दिल्ली की जनता ने जो अपना जनादेश दिया है कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। अच्छी बात यह है, थोड़ी सी इस निराशा मिली थी कि बीजेपी को 2015 की अपेक्षा परसेंटेज काफी बढ़ा है, 32% वोटिंग की हमारे पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में अभी 38.78% है सिर्फ बीजेपी का, और हमारे जो एनडीए के दो एलाइज हैं जेडीयू उनको 0.78, एलजेपी को 0.38, तो ऑलमोस्ट ये 40% के आसपास है। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत कठिन मेहनत किया है और हमारी ही तरह उनको भी बहुत इस समय विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा होगा, पर उनकी मेहनत से ही ये कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये परसेंटेज बढ़ा है। एक हमने ट्रेंड देखा है दिल्ली में, अब एक नए युग की शुरुआत हो रही है सिर्फ दो दल के बीच, और इसमें अब आगे की तैयारियां और भी उसी अनुसार से करनी पड़ेगी क्योंकि कांग्रेस ऑलमोस्ट लुप्त प्राय ही हो गई है। तो 2015 में भी उनका जो वोट प्रतिशत था उससे लगभग आधा हो चुका है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आपके अनुरूप नहीं आता है तो निराशा होती है, पर शायद इसी में उसको बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ने का जो नाम है वो बीजेपी है। हम लोग अपनी पूरी तन्मयता से जो सांसद के रूप में और भी जिस रूप में बीजेपी को समर्थन है दिल्ली का